सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो माइनक्राफ्ट। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड क्राफ्टिंग वुडिंग से किसी भी एसएमपी या सर्वर पे विदाउट साइन इन या फिर साइन इन के कैसे जा सकते हो। एंड ये 100% वर्किंग आइडिया होने वाला है आपके 1.19 प्लस वर्जन के लिए, जिसमें आप लोग विदाउट साइन इन के किसी भी सर्वर या एसएमपी में जा सकते हो। एंड ये 100% वर्किंग होने वाला है। सो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं किया अभी कोशिश वीडियो पे हम करते हैं 500 लाइक के लिए, तो जरूर से लाइक कर देना। एंड चैनल पे न्यू आ रहे हो या अब तक सब्सक्राइब या फिर नहीं किया तो क्या कर दो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसे ही तरीके की ट्यूटोरियल वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया 14K के बहुत ज़्यादा क्लोज है। एंड हाँ, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो जरूर से वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यार चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट आप लोग जरूर दिखाना। एंड अगर आपको गेम प्ले वीडियो अच्छी लगती है, यानी कि गेम प्ले वीडियो आप लोग जानते ही होंगे जैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन एंड क्राफ्टिंग वुडिंग की, तो उसके लिए आप लोग मेरा सेकंड चैनल चेकआउट कर सकते हो, जिस पे मैं रेगुलरली शॉर्ट्स एंड गेम प्ले वीडियो लॉन्ग भी डालता रहता हूँ। एंड उस पर एक तगड़ी सी ब्रदर ट्रॉलिंग की वीडियो आने वाली है सेकंड चैनल पे, जाके चेकआउट कर लो सेकंड चैनल को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके फटाक से चेकआउट करना। एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं अपनी लॉबी में आ चुका हूँ क्राफ्टिंग बिल्डिंग की। अगर आपके माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है तो उसमें भी आपको लॉबी पे आ जाना है। देन क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स पे। एंड मेरे में अभी के लिए साइन इन है, तो पहले मैं अपनी साइन इन लॉग आउट करता हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके में तो पहले से ही होगी, तो आपको लॉग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, मेरी मैंने आईडी का नाम नूब रखा है, ऐसे ही पहले से ही है। तो देख लो, मेरी साइन इन इस समय नहीं है, ऐसा ही आपके में होगा, साइन इन फॉर फ्री दे रहे हैं। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स पे, देन जाना है प्रोफाइल पे, एंड यूज सर्वर डेटा को उसको ऑन कर देना है अगर ऑफ हो तो। देन क्या करना है, प्ले पे जाना है, यही सेटिंग्स सेम आपको अपने उस पर भी करनी है महंगा पॉकेट रिसर्व में। देन आपको सर्वर्स पे जाना है, एंड सेम ट्रिक से आप लोग वाई फाई हॉटस्पॉट फ्रेंड्स से भी जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको एसएमपी सर्वर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये अपनी जो एक एसएमपी आ गई लाइफ स्टील एसएमपी, तो उस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ज्वाइन सर्वर पे, तो यहाँ पे देखो साइन इन फॉर फ्री दे रहे हैं। बट आपको क्या करना है, आपको कोई भी जैसे कि ज्वाइन होनी है, जैसे कि ये मेरी पुरानी एसएमपी है जो कि अभी के लिए ऑन ऑफलाइन है, बट कोई नहीं, इसको हम बाद में ऑनलाइन करेंगे, बट पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है। तो ये देखो, ये एसएमपी ऑनलाइन है, ये भी एक बढ़िया एसएमपी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लॉग आउट मतलब जहाँ पे आप इसको डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक सर्कल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे साइड पे, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे रिमूव का जो ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है, देन ओके कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके करोगे तो फ्रेंड्स पे आपको देखो लैन गेम्स पे यही एसएमपी दे रहे होंगे, तो सिंपली इस पर टैप कर देना है एंड आप लोग इस एसएमपी पे आ जाओगे। प्लीज़ लॉग पर ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये एसएमपी होगी ये किसी भी यूट्यूबर की होनी चाहिए, मतलब ये कोई ब्रांड की ना हो, मतलब ब्रांड की होगी तो ये नहीं आप लोग जा सकते हो। तो जैसे मैं आपको दूसरी एसएमपी, ये वाली एसएमपी मैंने पहले चेकआउट, मतलब जैसे कि आप लोग मेरी या किसी भी यूट्यूबर्स की पब्लिक एसएमपी में जाओगे जो उसने पर्सनली बनाई होगी ऑडियंस के लिए, तो उसमें आप लोग इसी ट्रिक से जा सकते हो। तो जैसे मैं ये लाइफ स्टील एसएमपी है, माइनक्राफ्ट डेडलिफ्ट लाइफ स्टील एसएमपी, तो सिंपली इस पर भी मैं रिमूव, वही ट्रिक आपको करनी है, बट आपको मैं कभी कभी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, बट जो पर्सनली मेकिंग होगी जैसे एटोनस से, उस पर आप लोग चले जाओगे, बाकी पे आप शायद से कोई भी हो, जैसे यही प्रॉब्लम आपको बाद में देंगे अगर आपकी और कोई एसएमपी है। जैसे कि मैं कोई भी ज़्यादातर कोई भी यूट्यूबर एटोनस से ही एसएमपी बनाता है, यहाँ पे मैं आपको एक एटोनस की एसएमपी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने एसएमपी बनाई थी craftmg.etonus.me, एंड यहाँ पे देखो एक बंदे ने, यूट्यूबर ने भी, मतलब गेमर भाई वाइजा गोपी भाई भी इसी से बनाते हैं एटोनस से, तो आप लोग ईजिली ज्वाइन हो सकते हो कोई भी हो। तो सिंपली आपको जैसे कि मैं अपनी एसएमपी में जाऊँगा, देन कोई भी हो एसएमपी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, रिमूव पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, देन फ्रेंड्स पे वो एसएमपी आपको दे देंगे। बट अगर वो ऑनलाइन होगी, जैसे कि मेरे में ये अभी ऑफलाइन थी, वरना मैं आपको चेक करके सारा दिखा देता, बट अब मैं करके भी आपको कैसे भी नहीं बता सकता, बट आपको सेम ट्रिक यही करनी है। जैसे कि मेरे में अभी साइन इन नहीं है, वरना मैं आपको वैसे ही करके दिखाता जैसे मैंने आपको बताया था। वैसे यहाँ पे देखो, कोई भी एसएमपी मुझको और देखने को मिलती तो मैं आपको बता देता, बट अभी के लिए जो भी एसएमपी है एटर्नस की वो सारी ऑफलाइन में चली गई हैं। तो अभी के लिए मैं तो आपको इसकी, मतलब जो मैंने लेटेस्ट इससे पहले एक पार्ट बनाया था जो कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो पहले जाके आप लोग उसको भी देख सकते हो।
उसमें मैंने सामने मतलब एटर्नस की सारी एसएमपीज का सामने बताया था कि कैसे ज्वाइन होना है, तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ये 1.19 प्लस का था एंड आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि एसएमपी एटर्नस की होनी चाहिए। अगर कोई वर्जन की होगी जैसे कि और कोई कंपनी की, जैसे कि ये तगड़ी बड़ी बड़ी एसएमपी जो होती हैं, तो इनसे आप लोग नहीं आ सकते हो। एंड जैसे कि ये अपनी एटर्नस की एसएमपी हो गई जो कि अपने यूट्यूबर बनाते रहते हैं पब्लिक एसएमपी, तो उसमें आप लोग इसी सेम ट्रिक से आपको पहले रिमूव करोगे, फ्रेंड्स पे ऑप्शन देंगे तो उस पर टैप कर दोगे, तो आप लोग डायरेक्ट वर्ल्ड में लोड हो जाओगे एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं है।